अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉडियम्स। हम लोगों ने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम लोग दो टर्म्स देखेंगे, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका लास्ट इंडिविजुअल बिल्कुल भी मतलब जिसका वजूद नहीं है, उसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। यानी कि डायनासोर जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं। अ स्पीशीज इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज़ नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज हैज़ डाइड इन दैट इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, इसको हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका कोई भी इंडिविजुअल बाकी नहीं है। सेकेंड टर्म है हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं कि जिनका डाउट है कि वो आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगी, मतलब उनके जो स्पीशीज बहुत कम है, उनके इंडिविजुअल बहुत कम रह चुके हैं। स्पीशीज़ का मतलब नेक्स्ट जो है उनकी रिप्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही। उनकी रिप्रोडक्शन क्यों ज़्यादा नहीं हो रही? उनको प्रॉपरली जिस मतलब जिस लिहाज से वो अपने आप को सेव कर सके, उनको वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। अ स्पीशीज इज कॉल्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज इन नियर फ्यूचर। जैसे कि लाइन, टाइगर एंड ब्लैक बर्ड। इस तरह और भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज हैं जो इंडेंजर्ड फॉर्म में आ रही है, यानी कि नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में वो ख़त्म होंगी। वो क्यों ख़त्म हो रही है, उनको क्यों वो मतलब इस तरह ख़तरे में है? वो इस वजह से हैं कि उनको उनका प्रॉपर उनका हैबिटेट लॉस्ट है, डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट की कटिंग की जा रही है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर रही। ओवर हंटिंग है, या तो उनका बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, उनको नए स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और वो स्पीशीज को ख़त्म किया जा रहा है। और पोल्यूशन, आलूदगी की वजह से, और क्लाइमेट चेंज, या फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा रहा है जहाँ पर वो खुद को सर्वाइव नहीं कर रहे। सो ऑडियंस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।